हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टूडेंट लाइफ क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का मैथ चैप्टर नंबर हमारा 10th है बालाजी प्रकाशन द्वारा, जिस चैप्टर का नाम है क्रमचय और संचय। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट यहाँ पे चार क्वेश्चन को लिखा गया है, तो आइए चारों क्वेश्चन को बारीकी से हल करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है 7P7, उसके बाद 75P2, थर्ड है NPR बराबर N बराबर 16, R बराबर 3, और चौथा है 6P2। इसे हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे हम, हल में लिखेंगे क्या है हमारा क्वेश्चन 7P7, ठीक है। तो आप एक सूत्र जानते होंगे, सूत्र कि NPR बराबर N फैक्टोरियल माइनस N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक। इसको फैक्टोरियल करते हैं, आप लेसन में पढ़ चुके हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है एग्जाम से रिलेटेड। तो इस सूत्र पर लिखेंगे, तो आपका क्वेश्चन क्या है 7P7, तो इसमें N बराबर पहले निकालेंगे, तो N क्या कर रहा है ऊपर वाले को, N फैक्टोरियल, तो 7 है ना, N बराबर 7 लिख देंगे, और R नीचे वाले को कर रहा है, तो R कितना है 7, R बराबर 7। यहां तक समझ में आ गया, ये समझ में आया तो वेरी गुड है यहां तक ले, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, सूत्र लगाएंगे, क्या कह रहा है यहाँ पे N, NPR का N फैक्टोरियल कर रहा है, तो 7 का क्या करेंगे फैक्टोरियल करेंगे, ठीक। और उसके बाद 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे N माइनस R किया है, तो N भी 7 है और R भी 7 है, तो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, चलिए ठीक है, समझ 7 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे माइनस 7 है, सॉरी प्लस 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 6 × लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि 7 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल का यहाँ पर मतलब होगा ये सारे के सारे पद, क्योंकि 7 के पद जितने पद एक एक जितने पद आते हैं उन्हें पूरे पद को लिखना है, कहां तक ले एक तक, तो गुणा कर देते हैं 7×6 42 20 3×2 6। अब इसका इसमें गुणा करते हैं, 6×2 12, 6×6 24 25 20। अब इसका गुणा कर देते हैं, 0 × 2×4 5×2 10 और 10×1 11, 2×4 1 अच्छा नहीं कुछ लिया जाए 25 और 0 × 2×4 5×2 10 हो गया ना, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। आंसर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, आंसर आया आपका, अतः सेवन बराबर 5040, यही आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं, आपको यही सूत्र याद रखना है, NPR बराबर N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। लीजिए हमने क्या किया, 7P7 को लिख दिया और सूत्र लगाया NPR बराबर N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, उसके बाद हम N और R का मान यहाँ से ज्ञात लिए, क्या क्या दिया है वो दिया है, और सूत्र पर निकाल कर सूत्र पर लगा कर हम क्या कर दिए, अगर फैक्टोरियल कर रहा है आपका कट जा रहा है, 0 आ जा रहा है, तो आप 7 फैक्टोरियल को आप इसके रूप में लिख सकते हैं, यानी जब तक इसका गुणा इसको छोट छोट करते रहेंगे तब तक आपका 1 न हो जाए, ठीक है। अगर 8 फैक्टोरियल दिया होता तो 8 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 × हो जाएगा, ठीक है। तो 8 दिया नहीं, समझ में आ गया, यानी जितना फैक्टोरियल आपका दे 20 फैक्टोरियल दे दे, तो 20 के पहले क्या आता है 19, 18, 17 से लेकर 1 तक पहुंचना है। तो स्टूडेंटो आपका अगला क्वेश्चन है सेकंड 75P2, तो इसको भी उसी सूत्र के द्वारा हम करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे हाल में क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख देंगे 75P2। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, सूत्र रखेंगे, सूत्र क्या लिखेंगे, सूत्र NPR बराबर N फैक्टोरियल माइनस N माइनस R फैक्टोरियल से, ठीक। इस सूत्र से इसको क्या करेंगे हम, हल करेंगे,
तो हल करेंगे तो क्वेश्चन को तो लिया है 75P2। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 75 यहाँ पर एन का बराबर क्या है 75 है और आर बराबर क्या है 2 है, तो आर बराबर 2 है आपका, तो यहाँ पर हल करेंगे 75 को क्या लिख सकते हैं 75 फैक्टोरियल, उसके बाद एन माइनस आर करेंगे यानी 75 माइनस क्या करेंगे हम 2 करेंगे, यहाँ पे फैक्टोरियल लगाएंगे। ठीक है, तो 75 को क्या लिख सकते हैं 75 × 74 × 73 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल लग गया यानी उधर का पूरा अंक है उसके एक तक में, 75 में से 2 गया 73 फैक्टोरियल, 73 से 73 कट जाएगा, 73 फैक्टोरियल से 73 फैक्टोरियल बच जाएगा, और 75 में 74 से गुणा करेंगे तो आपका 5550 आएगा। ठीक है, 5550 आपका आएगा गुणा करने में, आप देख लीजिएगा 75 में 74 का गुणा करेंगे तो 5550 आएगा, यही आपका क्या हो गया आंसर। अब कुछ नहीं करना है सिर्फ आपको यही सूत्र याद रखना है, कौन सा सूत्र, ये वाला सूत्र याद करिएगा कि एन पी आर बराबर एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसी सूत्र से पूरे सवाल हल हो जाएंगे। ठीक, और इसका अगला क्वेश्चन पर चले आगे, क्वेश्चन ये आपका बालाजी का है, बालाजी मैथमेटिक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम से रिलेटेड, एन पी आर बराबर एन बराबर 16 और आर बराबर 3, बहुत बढ़िया, यहाँ पर क्या किया है एन का विमान दे दिया आपका आर का विमान दे दिया है, तो एन के जगह पर क्या रखेंगे 16 और आर के जगह पर क्या रखेंगे 3, क्या वही सूत्र से, इस सूत्र से एन पी आर हल सूत्र बराबर एन पी आर बराबर एन फैक्टोरियल माइनस एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक हो जाएगा, तो एन पी आर एन बराबर क्या दिया है एन बराबर 16 और आर बराबर 3 रखने पर किसमें एन पी आर, तो एन पी आर बराबर क्या हो जाएगा एन की जगह पर क्या रखेंगे 16, ये तो रहेगा ही, आर क्या करेंगे हम 3 रख देंगे। ठीक, आपका क्या निकल गया 16P3, अब क्या करेंगे 16P3 को हल करेंगे, 16P3 को हम लिख सकते हैं 16 फैक्टोरियल माइनस क्या लिख सकते हैं 16 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 16 को हम लिख सकते हैं 16 × 15 × 14 × 13 फैक्टोरियल, 16 में से 3 गया कितना बचेगा आपका 13 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल कट जाएगा, एकदम क्लियर कर जाएगा, बहुत बढ़िया, तो इसका अब इसके में गुणा कर देंगे 16 × तो क्या बचेगा 16 × 15 × 14, तो 16 × 15 = 60 और 15 × 21 गुणा कर देंगे 0 × 6 = 33, आपका आंसर क्या आएगा 3360। एक बार फिर से इसको सवाल को समझ जाइए कि आपको n बराबर 16 r बराबर 3 दिया है, तो इसको n p r में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 16p3, अब 16p3 को करेंगे तो 16 को क्या लिख सकते हैं सूत्र के n फैक्टोरियल n के फैक्टोरियल n फैक्टोरियल लगे क्या दिया है 16 फैक्टोरियल। ठीक है, और उसके बाद n माइनस r फैक्टोरियल कह रहा है, तो n क्या यहां पे आपका n है 16 और r है 3, तो 16 में से 3 क्या यहां पे क्या बचेगा 13, 13 फैक्टोरियल से 13 को काट सकते हैं और जितना है इसका बचा यहाँ पे आंसर कर दीजिए, आएगा समझ में, एकदम आएगा बिल्कुल भाई। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीटेड, और चौथे और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 6P2। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए बार बार एक क्वेश्चन को पूरा करा रहा हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि पूरा ये आपको तैयार हो जाए इस टॉपिक से रिलेटेड इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर से लिखेंगे हल, उसके बाद सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे आप बताइए, याद हो गया होगा एन पी आर बराबर क्या होगा एन फैक्टोरियल माइनस एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, यह लिख दिए 6P2 बराबर क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, क्योंकि एन के जगह पर क्या है 6, सूत्र क्या करता है आपका एन फैक्टोरियल, अब लेसन में पढ़े होंगे, ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लेंगे, सवाल को समझिए। ठीक, एन के जगह पर क्या लिखेंगे हम 6 लिख देंगे, आर के जगह पर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे और फैक्टोरियल का चेंज दे देंगे, इसको फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर हल करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे तो
आपका क्या बचेगा? छ। पहले क्या कीजिएगा, इस तरह एक और है छ फैक्टोरियल को लिख लीजिए, ठीक है। छ में से दो घटेगा तो चार फैक्टोरियल। तो अगर ऐसे इसको तोड़िए छ फैक्टोरियल को कि चार फैक्टोरियल क्या हो उसमें, वह पूरा चार फैक्टोरियल कट जाए। तो तोड़ेंगे तो चार गुड़े पांच गुड़े चार, एक तक तो पहुंचा नहीं है तो क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे। तो उसके बाद चार फैक्टोरियल तो है ही, चार फैक्टोरियल से चार फैक्टोरियल काट दीजिए छह में, और छह गुड़े पांच बचा ना गुड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा तीस। ये आपका क्या हुआ आंसर, समझ में आ गया? ठीक, डायरेक्ट मत कीजिए क्योंकि डायरेक्ट बाद में कीजिएगा, पूरा अच्छे से समझ जाइए इसको बढ़िया से। एक बार फिर से बोल दे समझा दे रहा हूँ कि 6p2 है, तो 6p2 दे दिया जाए, कहा जाए कि इसका क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो आप सूत्र, एक सूत्र ये याद कर लीजिए, npr बराबर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो n क्या होता है, n ऊपर वाले का होता है, ठीक, और r नीचे वाला, ये वाला, ठीक है। तो n फैक्टोरियल लगे हम 6 फैक्टोरियल लिख दें क्योंकि np2 है, सॉरी ठीक, और 6p2 है, तो n की जगह पर 6 दिया है और r की जगह पर क्या दिया है 2। तो यहाँ पर क्या किए 6 माइनस 2, तो 6 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 4। अब याद है ये फैक्टोरियल के रूप में क्या हो गया, दोनों के दोनों आ गया। तो आप क्या करेंगे, ऐसा आप इसको तोड़ेंगे कि 4 फैक्टोरियल कट जाए। तो तोड़ा क्या, 6 गुणे 5 गुणे 4। अब आगे तो हम 3 2 1 तक तो लेकर नहीं जा रहे हैं, 4 ही तक रुका है, इसलिए फैक्टोरियल लगा दिए हैं। यहाँ पर भी 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल करिए खत्म। अब क्या गुणा कर दिए 6 में 5 से 30 हो गया, यानी क्या यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये बहुत क्या क्रमचय और संचय लेसन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इससे लेसन, इस लेसन से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। अब इस चैनल पर बने रहिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए, और ये आप कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो के माध्यम से आपको कितना समझ में आया, तो कितना नहीं आया तो फिर से कहेंगे तो इस टॉपिक पे फिर से वीडियो बनेगा, ठीक। और ये वीडियो जो है वो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इस क्लास 11th में है, जो जिनको क्रमचय और संचय लेसन की आवश्यकता है, ठीक। लाइक सब्सक्राइब, जय हिंद, जय भारत।